Welcome back to my channel. Today I'm going to show you how to protect your front mudguard from rust, means आप उसे जंग लगने से कैसे बचा सकते हो. मैं मतलब है कि बारिश बारिश में बहुत पानी लगता है तो उसकी वजह से वो टूटने लग जाता है जड़ जड़ के, तो उसके बहुत ख़राब लगता हो, तो आप उसको कैसे बचा सकते हो. फिर जितना मर्जी आप पानी में चलाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो लेट्स सी हाउ टू प्रोटेक्ट इट. सो गाइज, टू डू द वर्क वी नीड वन सॉकेट सेट this type, one forehead screwdriver, one paint brush, एक ये पेंट की डिब्बी चाहिए हमें, थोड़ा चाहिए इसमें, ज़्यादा पेंट नहीं चाहिए, इसलिए हम मैं छोटी डिब्बी लेके आया हूँ. ये मैंने पहले यूज़ करा हुआ है इसलिए थोड़ा गंदा हो रखा है. और एक चाहिए हमें कपड़े धोने वाली ब्रश, को कि उस पर जो मिट्टी विट्टी लगी होगी मडगार्ड पे वो हमें साफ़ करनी है पहले, नहीं तो फिर हम पेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे. सो गाइज, वी नीड जस्ट दीज थिंग्स टू डू द पेंट ऑन मडगार्ड. सो लेट्स डू इट. सो गाइज, दिस इज़ आर होंडा एविएटर एंड फर्स्ट वी नीड टू रिमूव दिस फ्रंट नोज बाय अनटाइड दीज स्क्रूज, दिस स्क्रू, this screw and this screw, to remove this front nose, because इस mudguard का एक bolt इस nose के नीचे है, तो हमें वो खोलने के लिए पहले ये nose खोलनी पड़ेगी, तो पहले हमें इसे खोलते हैं. So let's remove it guys. So guys, we have removed this front nose, now we have to remove this mudguard with this 10mm socket. ये आपको वो वाला पेच खोलना है इस socket से, और ये दो पेच भी खोलने हैं, बस ये आप ये दो पेच आपको इस एल की से खोलने हैं लाइक दिस, इस तरीके से. बस ये आपको थ्री पेचेस खोलने के बाद आपको ये मडगार्ड मिल जाएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है. सो गाइज, नाउ वी हैव रिमूव दिस फ्रंट मडगार्ड फ्रॉम द स्कूटर. आफ्टर रिमूविंग दिस फ्रंट मडगार्ड आवर स्कूटर इज लुक लाइक दिस. ये बहुत ख़राब लग रहा है. तो अब हमें इसको पहले साफ़ करना है इस ब्रश से अच्छी तरह. आपको पहले धो लेना है रगड़ रगड़ के, और फिर आपको इस पर पेंट करना है. तो मैं आपको धोने के बाद दिखाता हूँ कैसे पेंट करना है. तो आपको ये एरिया भी साफ़ करना है, क्योंकि जो आपका हल्का हल्का जंग होता है रस्ट, वो इसी एरिया पहले इस पर लगता है और फिर मडगार्ड में फैलता है. तो आपको इसको भी पेंट करना है अच्छी तरीके से. सो लेट्स पेंट इट गाइस. सो गाइज, ये मडगार्ड मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं इस पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है. तो अब मैं इसे, इस पर पानी जमा है, वो अच्छे से साफ करना है क्लोथ से इस तरीके से. अब हमें साफ करने के बाद हमें जो ये बीच का एरिया है, ये सबसे ज़्यादा ये इस पर ये लाइट आ रही है, इसको अच्छे सबसे ज़्यादा पेंट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी यही लगता है और इसी की वजह से फिर आपका मडगार्ड ख़राब होता है. तो लेट्स पेंट इट गाइस. सो गाइस, नाउ वी हैव टू डू द पेंटिंग ऑफ दिस मडगार्ड विद दिस ब्रश लाइक दिस. आपको सेंटर में सबसे ज़्यादा करना है. अब ऐसे कर करके आप पूरा पेंट कर लीजिए अच्छी तरीके से. आप इस पर दो से तीन कोट लगा लीजिए, क्योंकि फिर दो से तीन कोट लगाओगे तो ज़्यादा हैवी थिक रहेगा ये, और फिर आपको बाद में प्रॉब्लम भी नहीं होगी. सो आप पेंट करने के बाद इसको जैसे आपने उतारा था वैसे आप फिक्स कर लीजिए. तो बस उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, एक दो टिप देनी थी वो क्या है. सो गाइज, आफ्टर डन द पेंटिंग विद दिस मडगार्ड वी हैव टू पेंट दिस क्लिप जिस पे आप मडगार्ड लगाते हो, अंदर की तरफ से पेंट करना है, क्योंकि इस पे भी रस्ट लग सकता है. तो आप इसे अच्छी तरीके से पेंट कर सकते हो, और जो आपके बाहर ये लगे हुए हैं जिस पे आप अपने रेड पॉइंट लगाओगे, इन्हें भी अच्छी तरीके से पेंट कर लीजिए, क्योंकि इन पे भी जंग लग जाता है. सो ये पेंट करने के बाद आपको अपना मडगार्ड लगाना है. गाइस, ये मडगार्ड मैंने लगा लिया है, लेकिन अभी मैंने ये दोनों साइड के बोल्ट नहीं टाइट करे, बस एक वो अंदर वाला बोल्ट टाइट करा है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे कि ये हल्का हल्का रस्ट
लग जाता है। यहाँ पे मैंने वाइटनर लगाया हुआ है, तो आप ऐसे कहीं पे भी हल्का बहुत लगे तो आप उसे वाइटनर से मिटा सकते हो, क्योंकि फिर वाइटनर लगाने से फिर वो वहीं पे रुक जाएगा और बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे अगर आपका हो तो वाइटनर लगा के और फिर नट बोल्ट टाइट कर लीजिए, और इसके बाद आपको नोज़ लगानी है फिर। सो गाइज, आफ्टर डूइंग दिस ऑल थिंग्स, ये बंद करने के बाद हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जैसे कि कहीं पे पेंट वेंट ना गिरा हो। अगर ये गिर के अगर सूख गया तो फिर ये हटने वाला नहीं है, तो फिर हमें इसे थोड़ा सा एक क्लॉथ पे पेट्रोल लेके और क्लीन कर देंगे। जैसे कि अगर आपका कहीं पे भी गिरा हो तो प्लीज़ क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में बहुत गंदा लगेगा। सो वी हैव डन विद आवर वर्क गाइज। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज, मैं आपको एक और बार बताना चाहता था कि मैं हर फोर्थ डे अपनी वीडियो से जो भी मैं अपलोड करता हूँ उसके हर फोर्थ डे पे नई वीडियो आएगी, तो प्लीज़ आप उसे देखना मत भूलिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।